Hi guys, welcome to your own channel Taza Kitchen. आज हम बहुत ही different recipe बनाने वाले हैं जो कि famous South Indian dish है और इसे हम बंडोसा कहते हैं और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही delicious and tasty वाली चटनी. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मुरमुरों का use किया है जिसे कि हम मूरी या फिर फरवी भी कहते हैं. इसे हमें 2 कप की क्वांटिटी में लेना है और एक मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेना है. उसके बाद इसी में हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी और साथ ही 1 कप दही और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे. अब इसके बाद इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एकदम डोसे जैसा घोल बना करके रेडी कर लेना है. और ये देखिए हमारा परफेक्ट घोल बन करके एकदम तैयार है. अब इसे हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे. तो गाइस चलते हैं, हम अपनी यमी सी टेस्टी वाली चटनी बना लेते हैं. इस चटनी को बनाने के लिए 3 से 4 हरी मिर्च लेनी है, 1/4 कप फ्रेश नारियल कटे हुए लेने हैं, 3 से 4 कलियाँ लहसुन की, 1/4 कप पीनट्स मतलब कि मूँगफलियाँ एंड मुट्ठी भर धनिया पत्ता. साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही और इसको हम बढ़िया से पीस लेंगे. और ये देखिए एकदम परफेक्ट चटनी बनकर के एकदम तैयार है. अब आप इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लें. अब इसके बाद हम अपनी चटनी पे बढ़िया वाला तड़का लगाएंगे. तड़का लगाने के लिए 1 छोटा चम्मच तेल लेंगे तड़का पैन में, 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे, चना दाल या फिर आप उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं. साथ ही डालेंगे थोड़े करी पत्ता और इसे हम अच्छे से चला लेंगे. जब हमारी दाल भुन जाएगी इसको हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे. और ये देखिए एकदम परफेक्ट तड़के वाली चटनी बन करके तैयार है. आधे घंटे के बाद हमारा डोसे का घोल अच्छे से रेस्ट ले चुका है. अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इसके बाद अपने घोल के तड़के की तैयारी करेंगे. तड़का पैन हमने ले लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाला है, साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, थोड़े से उड़द दाल, बारीक कटे हुए करी पत्ता और थोड़े से बारीक कटे हुए हरे मिर्च. इसके बाद इसको हम अपने डोसे वाले घोल में डाल देंगे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे हमें बनाने से जस्ट पहले इसमें या तो 1 पूरा सैशे इनो का डालना है या फिर मीठा सोडा. यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ. इसके बाद हम एक तवा को ग्रीस करेंगे और अपने घोल को 1 कलछुल उस पर डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक भी देंगे. और अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये फूल चुका है. अब हम इसे पलट देंगे. अब इसे हम ढक ढक के दोनों साइड से बराबर पका लेंगे. सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे परफेक्ट सॉफ्ट एंड फ्लफी बंडोसा बन करके बिल्कुल तैयार हैं. इसी तरह से हम अपने सारे डोसा बना लेंगे और एंजॉय करेंगे इस यमी सी टेस्टी चटनी के साथ. कैसी लगी ये रेसिपी गाइस ज़रूर बताएं और अगर पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें.